किचन का काम आज से तुमने संभालना है, क्योंकि माहीन का तो सोग ही खत्म नहीं हो रहा, और अगर हो भी गया तो वो इस काबिल नहीं है कि घर के कामों में दिलचस्पी ले। जिसे तुम दो टके की लड़की कह रही हो ना, वो बीवी है मेरी। सही सुना तुमने, मैं इससे निकाह कर चुका हूं। शादी कर ली तुमने? हाँ। अगर तुमने किचन के काम में लापरवाही की तो नहीं। अम्मी आप फिक्र ना करें, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं इसे छोड़ो, पागल हो, पागल हो गई तुम। इतना आसान नहीं किसी की जान लेना, और अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं नबील से कहकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर भेज दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है। घर है तो इसे घर समझो। अगर तुमने आइंदा ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें उसी वक्त यहाँ से चलता करूंगी। सुना तुमने? अब दफा हो जाओ, मैं कह रही हूँ। इसकी तो मैं जान लेके जाऊंगी। तुम दफा हो जाओ। जाओ। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं देख लिया तुमने, तुमने इससे बचकर रहना है। खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है, किसी भी वक्त हमला कर सकती है। महाराज घबराओ नहीं, मैं हूं इस घर में। तुम जाओ किचन देखो। रूमी कहाँ? वो बेटा नमाज पढ़ने गई थी। वैसे मुमानी झगड़ा किस बात पे हुआ है रूमी का? झगड़ा? किस बात का झगड़ा? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बेटा तुम अहमद की वजह से परेशान थे, इसलिए बताना मुनासिब नहीं समझा। अम्मी कमाल करती हैं, रूमी मेरे लिए अहमद से कम नहीं है। आपको बताना चाहिए था, बताइए मुझे। सारा जहर माहीन का फैलाया हुआ है, साथ के साथ हमारी रूमी का नाम जोड़े। व्हाट? दिमाग ठीक है उनका? और ये असद को हो क्या है? अपने दिमाग से सोचता नहीं है ये? इतनी मासूम बीवी मिली है उसे, इल्जाम लगाने से पहले कम से कम इंसान को सोचना चाहिए। बदगुमानी में अक्सर सोचने समझने की सलाहियत कहां रह जाती है। लेकिन अब क्या होगा मुमानी? रूमी ने तो सख्ती से कसम देके मना किया है कि कोई वहां उसके ससुराल नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे मसला कैसे हल होगा? किसी को तो बात करनी चाहिए ना अरसल। हाँ, असद को बात करनी पड़ेगी, बल्कि साथ माफी भी मांगनी पड़ेगी रूमी से। खैर, मैं इस मसले में रूमी के साथ हूं। अम्मी समझाए ना इसे, अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी दी है और ये ऐसे मुंह लटका के बैठी है। ज़ायरा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, खुशियों का खुले दिल से इस्तकबाल करना चाहिए। इस तरह मुंह बनाना कुफ्राने नेमत में शामिल होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, तुम देख लेना, असद भाई को जब ये पता चलेगा ना तो वो सब भूल जाएंगे। अम्मी मैं भाभी को भी बताती हूँ। रूमी बेटा क्या हुआ है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, जब सब कुछ खत्म होने के दर पर हो और अल्लाह नई शुरुआत करे तो इसे इशारा समझो। तुम्हें असद को बताना चाहिए। पता नहीं वो कॉल उठाएंगे भी कि नहीं। तो जाके बता दो उसे। बेटा रिश्तों में अना का गला घोटना पड़ता है, पर ऐसा औरत ही करती है।
अपनी शादी को चलाना, घर बसाना, इसकी जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर होती है। औरतें लाख नासुक से, लेकिन अल्लाह ने औरतों के कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां डाली हैं, जिसे हम जैसी औरतें अपना फर्ज समझ के निभा रही और निभाती रहेंगी। बस खुश हो जाओ। तुम क्यों आई हो तुम यहां? मुझे असल से बात करनी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या बात करनी है तुमने? निकलो यहां से। मैं उनसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। अरे रूमी आई है? आप इससे कहें अभी और इसी वक्त निकले यहां से। अरे कोई बाप अपनी बेटी को घर से जाने का कैसे कह सकता है प्रेमिका? आप होंगे अपनी शफकत के हाथों मजबूर, लेकिन मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। निकलो यहां से। प्रेमिका, अगर तुम इसके रास्ते में आई ना तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए भी बंद हो जाएंगे। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। बेटा अपने कमरे में जाओ। एक कॉल भी नहीं किया आपने? बिजी था। पहले तो कभी मसरूफियत मुझसे ज्यादा अहम नहीं थी आपके लिए। पहले और भी बहुत कुछ ऐसा था जो आप नहीं, लेकिन अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पहले से भी ज्यादा अच्छा। ऐसे था डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूं। क्या क्या कहा आपने? मैं डॉक्टर को कॉल करके डिटेल्स पूछता हूँ, डीएनए टेस्ट करवाएंगे। नहीं, मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना सर। और आपको मुझ पर, मेरी वफा पर यकीन करने के लिए सबूत चाहिए? जरा सा टेस्ट रूमी करवा लेते हैं। जरा सा टेस्ट? जरा सी बात आपके लिए होगी असल, मेरे लिए नहीं है। अरे शौहर तो बीवियों पर उठने वाली उंगली काट डालते हो और आप वही उंगली मुझ पर उठा रहे हैं। इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपने ऐसा। अगर आप कह रहे जरा से टेस्ट, हमको तो जीने से पहले जल्दी थी तुम पर मरने। तेरे और आपके दरमियान अब फासले कभी खत्म। जो काटी गई वो लकीर हूं मैं। जा रही हूं अपनी फूटी तकदीर हूं मैं। कभी ना वापस आ। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं अरशद। माही तुम्हारी रिपोर्ट का कुछ कह रही थी, वो वही सच है वो। या अल्लाह, या अल्लाह, रे खुदा गर्क कर दे इस लड़की को। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात का। दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा। इसलिए डीएनए टेस्ट का कह रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं,
कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं उस लड़की को इस घर में एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सब खुदा का, शक्ल से कितनी मासूम लगती है और करतूत तो देखो, तौबा, जरा भी खौफे खुदा नहीं है। और जुबैर साहब बस अब तो यकीन कर लें, खुल गई ना सारी हकीकत आपके सामने। और तुम असद फौरी तौर पर तलाक के कागजात तैयार करवाओ। अब मैं उस लड़की को इस घर में अपनी बहू के तौर पर एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आप भी सुन लें जुबैर साहब, खबरदार इस बार अगर आपने लूले लंगड़े भरोसे पर जिस हम रूमी की हिमायत की, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फिरसे असद ने कुछ कहा होगा। कहने वाली बात तो है अरसल मियां, गजब खुदा का, मैं क्या समझती थी उसे, लेकिन उसने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कुछ कहने से पहले सोच लिया करे। अच्छा मैं सोचूं और तुम्हारी बहन जो करतूत कर रही उसका क्या? करो सालिया, मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। खतीजा भाभी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी ने उस घर में जो गुल खिलाया ना उसके बारे में सब बताया मुझे फहमीदा ने। तौबा तौबा, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती, उस घर के दामाद से चक्कर। अब अगर आपने रूमी के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी फुफ्फू हैं या कोई भी रिश्ता आपका साथ मेरा। किसी को मेरी बहन पर एतमाद हो ना हो, मुझे अपनी बहन पर पूरा एतमाद है और रहेगा। और आइंदा अगर रूमी के बारे में कीचड़ उछालने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। मुझे भी खतीजा भाभी बहुत भरोसा था रूमी पर, लेकिन जब फहमीदा ने मुझे फोन पर वो सब बताया तो मैं। अच्छा क्या बताया फहमीदा ने तुम्हें, मैं भी तो सुनूं जरा। बैठे बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।